चलिए उतर के आगे चलते हैं। आस्ते करे देखो फ्रंट कैमरा थोड़ा तक। हाँ शाम हो गया, पूरा रात ढल गया। काला पुकड़ी का होम स्टे से निकल गए, मिल लेंगे एकदम एकदम एकदम। राइट वाला इंडियन रोड है, ठीक है, और ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो देख रहे ये नेपाल की तरफ रोड है, ठीक है। और बीच बड़ा कितना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, स्लो फ्लेक्स है ये सब। हम लोग सीधा ट्रेकिंग कंप्लीट करके सीधा रूम में नहीं गए, हम लोग का सीधा चले गए हम लोग आल व्यू पॉइंट में सनसेट देखने के लिए। और जो लोग संदकफू में दोपहर में घुसेगा वो जरूर शाम को आल का सनसेट देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, वो चीज एक मस्ट वॉच चीज है वो। अभी हम लोग उस तरफ ही जा रहे हैं, और जो लोग पिछला वाला पार्ट मिस कर चुके हैं उन लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखूंगा, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का। अगर आपको फुल ट्रिप के बारे में पूरा डिटेल वाइज जानना है और क्या क्या हुआ हम लोग के साथ एडवेंचर में ये सब पूरा जानना है तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। सांदकफू का सनराइज होम स्टे से आल का डिस्टेंस है एग्जैक्टली 1 किलोमीटर। तो हम लोग का बॉडी यहाँ का वेदर के लिए फुल्ली एक्लेमेटाइज था, इसीलिए ट्रेकिंग करके आने के बावजूद भी हम लोग कोई रेस्ट नहीं लिए, सीधा निकल गए आल के लिए। तो 1 किलोमीटर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पर डे बेसिस हम लोग को 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रेकिंग करना था, तो इतना कुछ महसूस नहीं हुआ, जस्ट एनर्जी था, चले गए सामने। और याद रखिएगा बाई चांस किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस या कुछ दूसरा कुछ ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम हो तो पैनिक मत कीजिएगा, गाइड आपको सीधा बोल देगा, नीचे उतारने के लिए भेज देगा आपको नीचे, या आपके पास कोई मेडिकेशन रहे डायमॉक्स या कोका 30 वगैरह कुछ वो दे देगा। जब आप लोग सांदकफू में पहुंचेगा दोपहर के टाइम में ट्रैक करके तब आपको गाइड ही बोल देगा जो शाम में 4:30-5 बजे के टाइम में वहाँ पर सनसेट होगा यहाँ पर आने के लिए। अभी तक हम लोग आल नहीं पहुँचे लेकिन सनसेट आने का टाइम लगभग आ गया, तो आए का सीन दिखवाते आपको। जब आल का सनसेट का रे कांचनजंगा रेंज पे पूरा पड़ रहा था तब कुछ ऐसा कुछ मैजेस्टिक आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ सीन दिखाई दे रहा था। और ये सीन है सनसेट के टाइम में माउंट एवरेस्ट रेंज का, जहाँ पर पूरा क्लियर व्यू आ रहा है माउंट एवरेस्ट का, माउंट लोत्से का और माउंट मकालू का, और उसका ठीक राइट साइड में पूरा कांचनजंगा रेंज
इन स्लीपिंग बुद्धा पोज। वो कहते हैं ना, लाइफ में कुछ पाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, और इस जगह पर आके मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। परम सुख और परम आनंद, जिसको हाथ से छुआ नहीं जा सकता, जस्ट महसूस किया जा सकता है। हम YouTube ब्लॉग करते हैं, आप एक अकेले आए? हाँ दादा, बांग्लादेश से। अकेले आए? हाँ दादा। कैसा लगा? वो एक बात है ना, कुछ चीज ऐसी होती है जो शब्दों से बयां ना हो सकता, कुछ ऐसा ही। और ये भाई साहब आए हुए बांग्लादेश से, बहुत ही खास दोस्त बन गए हम लोग का। लेकिन सबसे बड़ा बात है, इतना दूर में अकेला चला है, पूरा बेझिझक। उनका तो पूरा हम लोग से भी ज्यादा अनप्लान ट्रिप है ये। ওদিকে টংলোতে হ্যাঁ ছিলাম গত রাতে। আচ্ছা, ওদিকে কলকাতার একটা গ্রুপ ছিল, হ্যাঁ খুবই ভালো, হ্যাঁ বাংলাদেশের একটা গ্রুপ ছিল, হ্যাঁ বাট ওরা একটু জুনিয়র। আচ্ছা, তো চিলটিল করতেছে। আচ্ছা, তো ওদের সাথে আর আড্ডা টাডা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কলকাতার ভাইদের সাথে মাশাআল্লাহ রাত একটা বেজে গেছে। এই যে বসছি দাদা, আর আনপ্ল্যান ট্রিপ কে বাবুজুদ ভি ইনকো জিটিএম এ রুম মিল গিয়া, বহুত বড় বাত হ্যায়। জিটিএ জিটিএ তে থাকছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, কতদিন আগে বুকিং করেছেন আপনি? দাদা আমি তো বুক টুক কোনো কিছু করি না, আর এজেন্সি সাডেন প্ল্যানে বের হয়ে গেছি। এজেন্সি ধরেছেন? না না না, নাকি একা এমনি জাস্ট এমনি? ও জিটিএ পেয়ে গেছেন এমনি হঠাৎ করে? দাদা কপাল, এই সাবাস। আমি একটা জিনিস মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, হ্যাঁ যে আসলে আপনি যখন, হ্যাঁ কিছু মন প্রাণ দাদা, মেল লিটারালি থোড়া চক গয়া থা ইনকো জিটিএম এ রুম মিল গয়া। क्योंकि आप लोग को बता देते हैं, जीटीएम में बुकिंग करने के लिए लगभग 15 से 20 दिन, एक महीने भी लग सकता है पहले से बुकिंग करना होता है। तो जब भी आप लोग आइएगा जीटी हट में, कांटेक्ट करके आइएगा, उनका वेबसाइट लिंक जहाँ से आप लोग को बुकिंग करना होता है, वहाँ का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से थोड़ा डिटेल्स देख लीजिएगा। तो टॉर्च कैरी करना मैंडेटरी है, इससे ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। ट्रेकिंग में आने के लिए टॉर्च ऑलवेज कैरी कीजिएगा। हम लोग का पिछले दिन जब कालापोखरी में गए थे, उस टाइम भी शाम हो गया था, तो इतना घना अंधेरा नहीं था अभी, गांव के बीच में से जा रहे थे इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा था। अभी पूरा जंगल के बीच में से जा रहे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सामने आरो किछु पथ आछे, हाँ खाड़ा खाड़ा आछे, এখন যেতে মোটামুটি আরো ধরুন 10 মিনিট, 10 মিনিট যাব, 15 মিনিট, 10-15 মিনিট তো ধরুন মিনিমাম। কি বলেন? একদম, আমি তো ধরে নিছি আধা ঘন্টা লাগবে আর না, 15 মিনিট লাগবে আর হয়তো। ভাই রে ভাই, কি যে শান্তি লাগতেছে আমার, বলেন আমারও তো রুগাইতে। আবার হাম সানরাইজ রেস্টুরেন্ট মে জব রিটার্ন আয়ে ওয়াহা পর ডিনার করনে কে লিয়ে, তো ওয়াহা কা মাহল কুছ এসা থা, জো মাহল দেখ কে দেবজিত অর রকি ডিসাইড কিয়া ও লোক রেস্টুরেন্ট মে নহি আয়েঙ্গে, एकदम रात में जब ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही वो लोग खाने के लिए आएंगे। तो मैं भी थोड़ा क्लिपिंग लेके यहाँ से कल्टी लिया जितना जल्दी हो सके। उसके बाद हम लोग रात में जाके जल्दी सो गए। रात के खाने का फुटेज आप लोग को कुछ दिखा नहीं पाए, इसके लिए माफी चाहते। लेकिन रात को कुछ इंसिडेंट घटा जो आप लोग को दिखा नहीं पाए, फोन में चार्ज नहीं था इसलिए, जो नेक्स्ट दिन मैं आपको बताऊंगा। बस हुआ आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए एबनॉर्मल फोरकास्ट में मैं आपको सनराइज दिखाऊंगा। -7 आज यहाँ का फोरकास्ट देखिए एक बार, वेदर हवा दे रहा है, देखिए नजारा देखिए, तो पिछले दिन रात को जो बोल रहे थे इंसिडेंट हुआ था, वो हुआ था कि माउंटेन स्टॉर्म चल रहा था रात को। माउंटेन स्टॉर्म बेसिकली स्नो स्टॉर्म का एक साइड इफेक्ट है। रात में ये माउंटेन स्टॉर्म बहुत जोरों से चल रहा था, बेसिकली लग रहा था खिड़की दरवाजा सब उड़ जाएगा खुल के। बाहर से बहुत जोरों से हवा का आवाज आ रहा था, जो रिकॉर्डिंग में कैप्चर नहीं कर पाया उसके लिए भी सॉरी।
तो जो भी है यहाँ का सनराइज आप लोग देखिए अभी। सनराइज होटल का टॉप से सांदकफू का आइकॉनिक व्यू। व्यू मुझे अकेले ही देखना पड़ा, मेरा दोस्त लोग और भाई लोग जो है वो अभी भी सो रहे। तो जैसे भी हो ये व्यू एंजॉय करके हम लोग रवाना देंगे फालूद के ट्रेक की तरफ। ट्रेक ही सबसे एग्जॉस्टिंग और सबसे टफ रहेगा हम लोग के लिए, 23 किलोमीटर्स का ये ट्रेक रहेगा ये जान के रखिए। और ये वाला ट्रेक का मेनली प्रोज एंड कॉन्स कुछ है। फालूद का ट्रेक का मेन प्रोज क्या है, इसका व्यू आपको जितना भी हम लोग ट्रेकिंग किए ये सब ट्रेकिंग में से सबसे बेस्ट व्यू आपको फालूद में ही मिलेगा। उस दिन हम 8 से 8:15 के बीच में ब्रेकफास्ट करके ट्रेकिंग के लिए निकल गए। और एक बार आपको सॉरी बोल रहा हूँ, सांदकफू का ब्रेकफास्ट का फूड ब्लॉग भी आप लोग को दिखा नहीं पाया मैं उस दिन। थोड़ा जल्दी निकलने के चक्कर में हम लोग थोड़ा छोटा मोटा एक मिस्टेक कर दिए, वो मिस्टेक क्या है मैं रास्ते में जाते जाते आप लोग को बताऊंगा। सनराइज होटल के टॉप से आप लोग को सनराइज ओरिजिनल वाला सनराइज दिखा दिया। उसके बाद माउंट एवरेस्ट का जो रेंज है पूरा पीक का वो सब भी दिखा दिया। अभी चलिए रूम पे फिर से चलते हैं। हम लोग रवाना दे दिए फालूद के ट्रेकिंग के लिए। हमारे बांग्लादेशी दोस्त को भी बाई बोल दिए, कुर्सी का सीट बेल्ट पूरा बांध लीजिए क्योंकि इस वीडियो का सबसे सीनिक पार्ट और सीनिक व्यू यहाँ से ही शुरू होगा। साइड में माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू। राइट साइड में हम लोग का कांचनजंगा वाटर जर्नी, वाटर ट्रेक रूट। इससे बढ़िया ट्रेक रूट हो ही नहीं सकता। हम लोग जो जा रहे हैं आप आज घूमते, रास्ता कुछ ऐसा है जो सुकून तो देता ही है और एक लाइफ का जो पर्पस है वो फुलफिल कर देता है। लेकिन हम लोग को एक दिक्कत हो गया आज सुबह सुबह, जल्दी करके जितना जल्दी हो सके निकले, लेकिन हम लोग का प्लानिंग में थोड़ा गंडगोल हो गया, थोड़ा दिक्कत हो गया क्योंकि हम लोग का एक बैग लेने का बात था, दो बैग फालूद में डालने का भेजने का बात था, लेकिन हम लोग हाथ में जस्ट कैरी बैग लेके और हाथ में एक स्टिक लेके चले आए। ऐसा हम लोग का मतलब क्या बोले, ब्रेन आज काम कर रहा था पूरा डोंकी की तरह आज हम लोग का। उसके लिए कैमरा ज़्यादा नहीं निकाल सकते, फर्स्ट जब ट्रैक स्टार्ट किए उसका भी बहुत सारा सीनिक व्यू था वो भी उठा नहीं पाए ठीक से। अभी एक जगह से यहाँ से थोड़ा उठा रहे स्टिक मेरे भाई देवजीत को देखे। यह है फालूद की तरफ रास्ता, हम सांदकफू से निकल चुके हैं। फालूद और 19 to 20 किलोमीटर्स बाकी है, एक दिन में हम लोग को कवर करना है पूरा क्योंकि हम लोग को 24 तारीख के अंदर सिलीगुड़ी घुसना है NGB, वहाँ से 25 तारीख का ट्रेन पकड़ना है जैसे भी करके हो। यह है मेरा सांदकफू वाला एपिसोड, देखते रहिएगा और भी सीनिक ब्यूटी और भी इंफॉर्मेशन के लिए। मेनली मेरा कहने का बात ये था कि आप लोग जब आएंगे ट्रेकिंग में हाथ में एक्स्ट्रा पैकेट कुछ कैरी मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। देखिए और बात आया ट्रेकिंग स्टिक कैरी करने का, अब बिल्कुल ट्रेकिंग स्टिक कैरी कर सकते हैं बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कैरी करता हूँ लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करता ट्रेकिंग स्टिक। जहाँ बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर ही एकमात्र यूज़ करता हूँ मैं ट्रेकिंग स्टिक, नहीं तो नहीं यूज़ करता। इसका मेन रीज़न यही है कि ट्रेकिंग स्टिक जब आप यूज़ करते हैं वो तो अलग से ज़मीन में गाड़ते हैं, उसके लिए अलग एनर्जी लगता है और आपका तो नॉर्मली एनर्जी वेस्ट होता ही है ट्रेकिंग करते करते, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता इसीलिए ट्रेकिंग स्टिक बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। हाँ वो अच्छा ठीक है।
ठीक है गजेंद्र भाई, रास्ते में एक जगह रुका मैं, यहाँ का व्यू देखिए एक बार, हम लोग के अलावा यहाँ पर कोई ट्रेकिंग नहीं कर रहा है, पीछे हम लोग का मेरा भाई आ रहा है देवजीत। फालूद और 17 किलोमीटर बाकी। और हाँ, वीडियो के बीच में से फिर से आप लोग को थोड़ा बोल के रख रहे, अगर मेरा एफर्ट ज़रा सा भी अच्छा लगा आपको, ज़रा सा भी फ़ायदेमंद साबित हुआ, डिटेल अच्छा लगा, तो मेरा चैनल पे ज़रूर थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा सोशल मीडिया लिंक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और कुछ स्नीक पीक देखने के लिए। मेरा सोशल मीडिया लिंक अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे के रखूँगा, तो वहाँ से भी आप लिंक ओपन कर सकते हैं। जय देवी कंचनजंगा। सांस फूल रहा है बहुत, ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पर बहुत। ज्वाल खली का रास्ता अगर नहीं उठाते वीडियो तो बहुत बड़ा चीज़ मिस करते आप लोग, मैं भी। जितना हम लोग फालूद का रास्ता से आगे बढ़ते रह रहे उतना ही कंचनजंगा और भी क्लोज आता रहेगा, सांदकफू से जितना क्लोज दिखता है उससे डबल ट्रिपल गुना क्लोज आता जाएगा। और इसका फालूद का रास्ता का सीनिक ब्यूटी सबसे ज़्यादा सुंदर है, सांदकफू बोलिए काली पोखरी बोलिए, सबसे सबसे सुंदर सीनिक ब्यूटी वाला रास्ता फालूद वाला रास्ता ही है। और यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, चुंगलिंग, माउंट एवरेस्ट इस तरफ, हम लोग का गाइड भाई गजन भाई ज़्यादा आगे थोड़ा निकल गए थे, उसका रीज़न एक ही है, फालूद का रास्ता जो है, फालूद का रास्ता बहुत ही सिंपल है, वैली के ऊपर से ही जाता है, तो खोने का कोई डर नहीं है। सबरगांव तक मोटा मोटी ऐसा सिंपल रास्ता ही जाएगा, लेकिन थोड़ा टफ है, उतार चढ़ाव थोड़ा टफ है, ज़्यादा है और ड्राई थोड़ा है एरिया, तो उसकी सबसे ज़्यादा नहीं मॉडरेट टफ होगा। और हम लोग का गजन भाई जो गाइड है वो बताए हम लोग को कि इस एरिया का नाम फालूद क्यों है। फालूद का मेन मीनिंग है इन लोग के भाषा में लैंड ऑफ पॉइजनस प्लांट्स। पिछले बार का व्लॉग में भी मैं बोला था कि नवंबर में आए हैं इसलिए ऐसा व्यू आपको मिल रहा है, अगर आप ये दिसंबर जनवरी में आएंगे भाई साहब आपको मतलब पहले से वार्निंग दे के रख दे, मोटा मोटी करके पकड़ के चलिए एक फीट तक बर्फ तो आपको गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा सब जगह। ये वाला जगह वीडियो उठाना थोड़ा टफ हो रहा था दिल्ली के लिए, इसीलिए वो यहाँ पर थोड़ा रुक जाएगा, मैं नीचे जाऊँगा, तो थोड़ा फिसलन बड़ा एरिया है, संभल के जाना पड़ेगा हम लोग को। और हाँ, यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, एक ही लाइन, केचुआ बाबा जिंदाबाद। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जो लोग ट्रेकिंग करते हैं वो लोग समझ गए अभी तक। देखिए, कोई पैसा लेके मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर अभी तक नहीं बन पाया मैं, लेकिन जो सच है वो सच है, केचुआ के ऊपर वर्ल्ड में ट्रेकिंग के लिए कोई शू अभी तक बना नहीं। वुडलैंड जितना भी लोग बोल रहे, केचुआ सब जगह सब वेदर के लिए ट्रेकिंग के लिए हाइकिंग के लिए रिकमेंडेड शू है। एक मत यही ब्रांड खरीदेगा तो आपका दिक्कत बहुत हल्का हो जाएगा ट्रेकिंग के लिए। जो कोई भी डीकैथलॉन स्टोर में मिलेगा, ऑनलाइन में भी मिलेगा आपको केचुआ, केचुआ का सिर्फ शू नहीं, हाइकिंग का जितना भी इक्विपमेंट्स है मैं केचुआ रिकमेंड करूंगा, ठीक है। हाइकिंग का दुनिया में बेताज बादशाह है केचुआ कंपनी का।
तो फारूद का रास्ते में चलते चलते ही हम लोग के साथ दूसरा कुछ ग्रुप का मुलाकात हो गया, तो उन लोग के साथ हम लोग पैचअप करके एक साथ चलने लगे। इससे क्या होता है ट्रेकिंग में जब आप लोग एक साथ चलते हैं तो अलग एक एनर्जी रहता है, फास्ट होता है ट्रेकिंग। ये वाला स्लोप क्रॉस करते करते हम लोग एक खास जगह जाएंगे, जो खास जगह कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था मेरे लिए, और वहाँ का जो चीज़ है वो बहुत ही एक लजीज चीज़ होगा, आप लोग को दिखाएंगे वो चीज़। तो जगह और चीज़ क्या है देखने के लिए हम लोग के साथ अभी भी कुछ टाइम पैदल चलते रहिए और वीडियो का मज़ा लेते रहिए। ओखाने बरफ देख, बरफ ओ पपू जलटा है। यहाँ पर याक मिल मिलता है, ट्रेल के ऊपर एक जगह मिला जहाँ पर ये दादा का याक मिल का एक ग्लास का 50 रुपीस। अच्छा, ओरिजिनल इधर ही निकला हुआ। अरे शाबाश, ये दूध का एक प्रोडक्ट बनाते हैं ये सब। अरे शाबाश, दिखाइए तो कितना फैट है इसमें। अरे इसका वो ऊपर का लेयर देखो, देखो ना। अरे बाप रे बाप, बहुत मोटा है। अगर खाना है पीना है एक ग्लास कुछ भी नहीं होगा, ऐसे गड़बड़ी पेट मैं मसलू ना कुछ नहीं होगा, तो मैं मसल वही तो सोच रहा हूं कुछ भी नहीं होता इससे। नहीं तो फिर दो ग्लास लो, तीन दोन पी लो, कुछ नहीं होगा तो। लेकिन 50 रुपीस कब बोल रहे हैं? 50 टका है, 50 रुपए में याक मिल्क एक ग्लास का। एक ग्लास तीन जन के और भी है लोग, उनका तो 5-6 आदमी है शायद। प्योर याक मिल्क मिलता है यहाँ पर, ओ लवली लवली, दूध में कॉफी है ना। अच्छा, अरे बाप रे, की पर भी कॉफी। रुके रुके, हम लोग का एक बार लोग को बोल के देखते एक बार, ठीक है। ये याका सेट, याका सेट अरे नो सात वाला याका अजय, ये सात वाला हो अजय। कॉफी की दूध सात वाला कॉफी दो रॉकी, याके दूध, याके दूध पाओ जाए এখানে খাবি 50 টাকা এক গ্লাস তিন জন মিলে বল খেয়ে দেখবি নাকি একবার দেখ কি দুধটা এক্সপেরিয়েন্স কর না। তুলো এটা, তুলছি তো। और ऊपर देख रहा है ना, हाँ? वो है या चीज, ड्राई चीज लेना है ये वाला। अच्छा, ये सब जो देख रहे ऊपर याक चीज है, ये सब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है डायरेक्ट याक दूध का, याक और चीज। स्मोक्ड है पूरा ये सब, स्मोक्ड याक चीज है भाई जान, वो पी लो। और याक मिल्क यहाँ पर देखिए, मेहमान आ चुका है, देख लीजिए एक बार। बेबी याक, बेबी याक पसंद नहीं आया हम लोग को, चला गया। आप लोग जब फालूद के ट्रेक में आइएगा याक मिल्क ज़रूर पीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, लजीज से लजीज चीज़ है ये। और बोला जाता है जितना भी मिल्क पीते हैं आप लोग, गाय का हो या भैंस का हो, जिसका भी हो, सबसे पावरफुल जो प्रोटीन रहता है वो याक मिल्क में ही मिलता है। तो याक मिल्क पी के हम लोग का जितना एनर्जी डाउन हुआ था उतना एनर्जी फिर से वापस आ गया, और हम लोग ट्रेकिंग के लिए फिर से ज़ोरों शोरों से रेडी हो गए। और आगे ब्लू ड्रेस वाला जो भाई साहब है, वो भाई साहब को मेरा हैट्स ऑफ, पूरा सलाम। इतना सुंदर एक पीसफुल नेचर के जगह पे आके इतना खतरनाक म्यूजिक वो चला रहे थे भाई साहब, आपको क्या बोले, दिमाग विमाग पूरा एकदम
सटक जा रहा था हम लोग का पूरा। देवजीत का हालत देखिए, उसका म्यूजिक सुन के अरे बाप रे बाप, तावर तोर म्यूजिक दे रहा है ये भाई साहब। ये अगर एवरेस्ट पे जाते हैं वहां पर गारंटेड एवलेंस गिरा देगा ये म्यूजिक से। वो ह्यूमिनिटी की तरफ से मेरा नेचर को सॉरी, पूरा नेचुरल जो पीसफुल एनवायरनमेंट है इसको पूरा ये खराब हो रहा था ये म्यूजिक से। तो जो भी है, चलिए ऐसे ही बनना पड़ेगा हम लोग को, आगे का रास्ता देखते हैं। वो जो देख रहे हैं एवरेस्ट का पूरा पूरा क्लियर व्यू आ रहा है एवरेस्ट का, वो देख लीजिए। इससे ज़्यादा क्लियर हो नहीं सकता, सॉरी थोड़ा फंबल हो रहा है सांस की वजह से। सोंदा बास्तो दी हम लोग का टीम आ रहा है अभी पीछे से, और भी एट लास्ट पहुंच गए हम लोग का लंच पॉइंट। और पीछे हम छोड़ आए दार्जिलिंग 72 किलोमीटर, संदकफू 14 किलोमीटर और थोकुम 7 किलोमीटर। हमारे दोस्त लोग भी आ रहे अपना यूट्यूब ब्लॉग हाँ प्रोडक्शन। सॉरी ये नाम पुराना वाला नाम था चैनल का, अभी का नाम है एक्सप्लोर विद शुभजीत, याद रखिएगा जरूर। ये व्यू कांचनजंगा का, कांचनजंगा और भी क्लोज हो आ रहा है धीरे धीरे, जितना आगे बढ़ रहे और भी क्लोज हो रहा है कांचनजंगा। सबरग्राम में ही हम लोग लंच करेंगे, वहाँ पे थोड़ा लंच वंच करके आधा घंटा 40 मिनट रेस्ट लेंगे, फिर हम लोग 14 किलोमीटर का जर्नी कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स फालूत। सावरग्राम, এটা তো সাওয়ারগ্রাম না, এটা মোলে তো সাওয়ারগ্রাম, মোলে এদিকে না, মোলে 1 কিলোমিটার, ও 1 কিলোমিটার দেখাচ্ছ না। ও আচ্ছা, সাওয়ারগ্রাম কে, সাওয়ারগ্রাম মে আ চুকে, यहां पर लंच करेंगे हम लोग। না আবি লে লাগতে দে দিছে।